गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा वीडियो है वो बायोलॉजी के ऊपर है। बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ होती है, वो होती है कोशिका। तो अपन देखेंगे कि कोशिका क्या होती है, किस तरह से फंक्शन करती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कोशिका के अंदर स्टडी करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि दोनों कोशिका, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों सेल को हम सिमल्टेनियसली एक साथ स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो जो सेल के ऊपर है, बायोलॉजी का पहला टॉपिक है। कोशिका को शुरू करने से पहले हम ये चीज़ ये ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट को सेल की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार ये सेल क्या है। सेल की डिस्कवरी के बारे में वैज्ञानिकों के मन में, जूलॉजिस्ट के मन में सेल को लेकर के क्या भ्रांतियाँ थी, क्या उनके जहन में क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस का जवाब आपको यहाँ पास मिलेगा। कोशिका जो सबसे पहले होती है, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई अगर कोई होती है तो वो होती है कोशिका होती है। ये सबसे छोटी इकाई होती है। जिस तरह से अपन कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई हम जो है ईंट के रूप में लेते हैं कि ईंटों से मिलकर के किसी भी मंदिर का, मस्जिद का, महल का निर्माण होता है। उसी तरह से इतना बड़ा जो शरीर होता है, चाहे वो ह्यूमन का शरीर हो, चाहे वो प्लांट का शरीर हो, चाहे वो एनिमल्स का शरीर हो, वो सब किससे मिलके बना होता है, कोशिकाओं से मिलके बना होता है। अब आपके जहन में ये प्रश्न हो सकता है कि सर, जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, कोई भी जानवर पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर इतना बड़ा शरीर कैसे हो जाता है। जैसे हम सब जब पैदा हुए रहे होंगे तो बहुत छोटे रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आज जो है तो हम लोगों का शरीर एक बड़ा विकसित शरीर के रूप में हो गया, तो ऐसा क्यों होता है। इसमें कोशिका का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है और ये स्वयं विभाजित होती है, विभाजित होने की क्षमता होती है, होने की क्षमता इसमें पाई जाती है। और ये कैसे विभाजित होती है, स्वयं विभाजित होती है ये, इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि विभाजन कई तरह से होता है, उन विभाजनों की प्रोसेस अलग अलग होती है, जैसे माइटोटिक है, माइटोटिक मियोसिस, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेल में जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो होती है वो होती है विभाजन की प्रोसेस। हमारा जो शरीर आज इतना बड़ा है वो सेलों के विभाजन होकर के होते 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 आज हमारा शरीर इतना बड़ा हुआ है। तो सेल के विभाजन से हमारा शरीर विकास करता है। अब इसमें देखते हैं कि ये क्वेश्चन सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक और ब्राउन के जहन में सर्वप्रथम आया था। उन लोगों ने सोचा कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो छोटे पैदा होते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। इन दोनों साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात चलती रही, और ये शताब्दी थी 18वीं शताब्दी। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो 18वीं शताब्दी है इसको जो है तो अपन विज्ञान का स्वर्णिम युग भी कहते हैं। ये चीज़ कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्वर्णिम युग भी इसको कहते हैं 18वीं शताब्दी को। खास तौर से इस शताब्दी में केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत योगदान हुआ है, और जो हमारे पास केमिस्ट्री का आधुनिक रूप है वो इस शताब्दी की देन है। तो विज्ञान का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है, तो इस चीज़ को पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा कि 18वीं शताब्दी को कहा जाता है। इन शताब्दियों के बीच में इन दोनों वैज्ञानिकों के जहन में ये प्रश्न था कि आखिरकार एक छोटा सा इतना बड़ा एनिमल जो है आज विशाल इतना बड़ा एनिमल कैसे हो जाता है। तो उन लोगों ने उस चीज़ की डिस्कवरी करने का प्रयास किया, और वो जो डिस्कवरी थी तो सर्वप्रथम किसमें हुई थी, वो डिस्कवरी सर्वप्रथम पौधों में किया था उन लोगों ने। किसमें किया था, पौधों में सर्वप्रथम किया था, और डेड सेल की खोज हुई थी। एक चीज़ और ध्यान रखिए, मृत कोशिका की सबसे पहले खोज हुई थी, मृत कोशिका की सबसे पहले खोज हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। इन लोगों ने जो खोजा था तो मृत कोशिका खोजा था। प्लांट में इन्होंने अपने से ही एक माइक्रोस्कोप बनाया, और जब माइक्रोस्कोप बनाया तो माइक्रोस्कोप में स्टडी जब किया तो इनको प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे अनियमित आकार के इस तरह के इनको कई सारे कोशे दिखाई दिए, चेम्बर दिखाई दिए,
और उन्हीं कोषों के आधार पर इस इकाई का नाम उन वैज्ञानिकों ने क्या दे दिया, कोशिका नाम दे दिया। इंग्लिश में इसी को कहते हैं सेल कहते हैं। छोटे छोटे कोशा इनको दिखाई दिए थे, छोटे छोटे चेम्बर दिखाई दिए थे, कोष्ठ दिखाई दिए थे। इन्हीं कोष्ठों के कारण इसका नाम क्या दे दिया गया, कोशिका नाम दे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मृत कोशिका खोजी गई थी। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने खोजा था, जीवित कोशिका किसने खोजा था। तो जीवित कोशिका ध्यान रखिएगा ल्यूवेन हॉक ने खोज किया था, जिसने बैक्टीरिया की भी खोज की, उन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को खोजा था। ये क्वेश्चन कई बार जो है तो आपके एसएससी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए अगर जीवित कोशिका पूछा जाए तो ल्यूवेन हॉक का आंसर आप टिक करिए, अगर सिर्फ कोशिका पूछे तो आप रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ब्राउन का नाम ले लीजिए, अगर मृत कोशिका पूछा तब भी उसका आंसर वही होता है। अब देखते हैं कि कोशिका की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कोशिका के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें स्वयं विभाजन की क्षमता होती है, कभी कभी इसी चीज़ को पूछ लिया जाता है कि प्रजनन की क्षमता, तो इसमें स्वयं भी प्रजनन की क्षमता भी पाई जाती है, ठीक है। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो कहा ही जाता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच कैन फ्रीली रिप्रोड्यूस, जो स्वतंत्र रूप से ये रिप्रोड्यूस हो मतलब प्रजनन कर सके। तो प्रजनन की क्षमता किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो सेल में पाई जाती है। शरीर के किस अंग में पाई जाती है, अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो सेल में पाई जाती है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब देखना है कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। देखिए जो सेल की स्ट्रक्चर होती है दोनों की, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों की स्ट्रक्चर में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल में जो होता है वो सेल वॉल पाई जाती है, हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये केवल और केवल सेल वॉल जो होती है केवल और केवल प्लांट में पाई जाती है। जो प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर अपन बात करें तो प्लांट सेल में केवल और केवल सेल वॉल पाई जाती है, ये कभी भी जो है तो एनिमल में नहीं पाई जाती। इस चीज को ध्यान रखिए। एक चीज और ध्यान रखिए कि इसमें वैक्यूल्स, हिंदी में कहते हैं रसधानियां, रसधानियां भी एनिमल में नहीं पाई जाती, केवल और केवल प्लांट में पाई जाती। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, और कभी कभी ये अंतर पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये अंतर पूछ लिया जाता है, और तीसरा कभी कभी पूछ लिया जाता है प्लास्टिड को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा प्लास्टिड भी एनिमल में नहीं पाया जाता, प्लांट में पाया जाता है, ये भी प्लांट में पाया जाता है और ये भी प्लांट में पाया जाता है। बाकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, चाहे आप एनिमल सेल की स्टडी करिए चाहे आप प्लांट सेल की स्टडी करिए, दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है। तो अब हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा रहे हैं कि सेल क्या होती है और कैसे फंक्शन करती है। जो प्लांट सेल या एनिमल सेल होती है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता, ये मीन्स ये अनियमित होती है, ये अनियमित होती है, इसका कोई सर्टेन शेप एंड साइज नहीं होता। इस कारण से इसकी स्ट्रक्चर कुछ बुक्स में इस तरह की मिलेगी, कुछ बुक्स में थोड़ा सा चौकोर टाइप से मिलेगी। तो आपको इसके शेप एंड साइज के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अब आ जाते हैं, ये सेल का सबसे बाहरी परत होता है, इस परत को अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये करती क्या है, किससे बनी होती है, ये जो बनी होती है ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ये ध्यान रखना है, लिपोप्रोटीन की ये बनी होती है। एल्गी में अलग होती है, कवक में अलग होती है, वायरस में अलग होती है, बैक्टीरिया में अलग होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में या एनिमल्स में ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये करती क्या है, ये सुरक्षा देती है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका काम क्या होता है, तो ये सुरक्षा देती है, सेल को आकार देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये सेल को आकार देती है।
और तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये चयनात्मक होती है। चयनात्मक का मतलब क्या होता है ये मैं बता दूं, चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या होता है? चयनात्मक पारगम्य का मतलब ये होता है कि आप सेल में देख रहे हैं कि कहीं से भी इंटरिंग पॉइंट नहीं है, मतलब इसमें कहीं से मुख नहीं है, लेकिन इसको भी पोषण तो चाहिए, न्यूट्रिशन तो इसको भी चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है? इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होती है डिफ्यूजन और एक होती है ऑस्मोसिस। मतलब हिंदी में उसको बोले तो एक होती है परासरण की प्रोसेस और एक होती है विसरण की प्रोसेस। तो सेल क्या करती है कि सपोज करिए ये कोई मॉलिक्यूल आया, चाहे ये मान लीजिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी है। अब इसको मान लीजिए सेल के अंदर जाना है, तो अगर सेल के लिए आवश्यक है तो सेल इसको अपने से अंदर जाने देगी, अगर ये सेल के लिए आवश्यक नहीं है तो ये सेल को अंदर नहीं जाने देगी। यही काम कहलाता है चयनात्मक। चयन करती है कि हमारे अंदर कौन सा चीज जाने लायक है और कौन सा चीज नहीं जाने लायक है। इसी घटना को हम बोलते हैं कि ये चयनात्मक होती है, सेलेक्ट करती है, सेलेक्टिव होती है ये। इतनी चीज आपको इसके मेम्ब्रेन के बारे में ध्यान रखना है। लिपोप्रोटीन की बनी होती है, सुरक्षा प्रदान करती है, आकार देती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, सेमी प्रियमेबल होती है। अब आ जाते हैं सेल की जो संपूर्ण रिएक्शन होती है वो एक छोटे से पार्ट के माध्यम से कंट्रोल होती है जो सेल के बीचों बीच पाई जाती है। यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्तव में केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो मैं बता दूं वास्तव में एकदम सेंट्रल में नहीं होता है, हाफ से थोड़ा नीचे होता है, मतलब केंद्रक लगभग यहाँ होता है। बहुत माइनर क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, एकदम सेंटर में ये नहीं पाया जाता, सेंटर से थोड़ा बिलो पाया जाता है, ये ध्यान रखिए। ये केंद्रक करता क्या है? कोशिका की संपूर्ण क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल की संपूर्ण क्रियाएं किससे नियंत्रित होती हैं, तो केंद्रक से नियंत्रित होती हैं, सेंट्रल से नियंत्रित होती है, तो ये केंद्रक होता है। अब केंद्रक में क्या क्या चीजें होती हैं? केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक होता है जिसे कहा जाता है केंद्रिका। ध्यान रखिएगा, फोंटाना ने इसकी खोज किया था, बहुत लेटेस्ट, लगभग 1932 के आसपास किया है इसको। इसका नाम होता है केंद्रिका, और इसकी खोज अगर जानना चाहते हो तो किसने किया था? फोंटाना ने किया था। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, फोंटाना ने इसकी खोज किया था। केंद्रिका होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंतर्गत एक लिक्विड पाया जाता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है इसको, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सेल में हर जगह एक लिक्विड पाया जाता है, इस लिक्विड को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखिए, प्रोटोप्लाज्म अथवा साइटोप्लाज्म अथवा कोशिका द्रव्य, तीनों चीजें एक ही हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप प्रोटोप्लाज्म ध्यान रखिए अथवा कोशिका द्रव्य ध्यान रखिए, प्रोटोप्लाज्म, इसको प्रोटोप्लाज्म। अब इसका कभी कभी फंक्शन पूछ लेता है कि प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, तो कोशिका को सूखने से बचाता है। ध्यान रखिए, कोशिका को सूखने से ये बचाता है, सूखने नहीं देता। अगर सेल कोई सूख गई, शरीर का इंटरनल पार्ट कुछ भी सूख जाए तो वो जो है तो जीवित नहीं रह सकता। इसका शेष भाग दोस्तों हम अपने वीडियो पे लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे लाएंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसका रिमेनिंग पार्ट हम उसमें कवर करेंगे। थैंक यू।